श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लगभग 15 किलोमीटर दूर बीरगंज में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के द्वारा वाची जा रही श्री डोलेश्वर महादेव शिव महाप्राण कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब पर देखी जा सकती है। आज का वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि 19 मई 2023 का दिन है, शुक्रवार का दिन है और तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की, साथ में शनि जयंती भी पड़ रही है, तो ऐसा संयोग बन रहा है। अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं, जो कि गुरुजी ने एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा जो कि भिलाई में हुई थी उसमें बताया था। उपाय बिल्कुल नया है, जो सिर्फ और सिर्फ अमावस्या में किया जाता है। हम आपको इसी वीडियो के अंत में ये उपाय कैसे किया जाता है वो करके दिखाएंगे, ताकि आप आसानी से समझ सकें। आज की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न किया था कि इनमें से शिव जी को क्या नहीं चढ़ता है, जिसमें से सही उत्तर है सी केतकी। केतकी का पुष्प भूल कर भी शंकर भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, ब्रह्मा हत्या के पाप के समान लगता है। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, शिव जी की 5 पुत्री का स्थान शिवलिंग में कहाँ होता है? ए दाई साइड, बी बाई साइड, सी ऊपर जलाधारी में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरु जी ने कथा शुरू होते ही कहा, कई लोग बोलते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना शुरू करूंगी, कल से मैं 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करूंगी, कल से भगवत भजन करना शुरू करूंगी, अर्थात हम सभी चीजों को कल पे टाल देते हैं और यही कल हमारे सामने काल बनकर आ जाता है। इसलिए हम कोई भी कार्य करें तो वो आज ही करना चाहिए, आज से ही शुरू करना चाहिए, अपने आज को प्रबल बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना आज प्रबल कर लेते हैं तो हमें कल को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, देवाधिदेव हमारा हाथ थाम लेंगे और हमें मंजिल तक लेकर छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि कभी भी आपको अपनी संतान के सामने उसका यश का गुणगान नहीं करना चाहिए, और अगर हम ऐसा कर देते हैं तो उसके अंदर द्वेष की भावना, अहंकार और अभिमान जागृत हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शीतल गुप्ता जी बीरगंज से पत्र लेकर आईं। गुरुजी, शिव महापुराण का क्या वर्णन करूं? सितंबर 2022 में मुझे हार्ट अटैक हुआ और परिवार वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। 5 दिन भर्ती रहने के बाद मुझे काठमांडू रिफर कर दिया गया और वहां पता चला कि 3 ब्लॉकेज हैं, 100, दूसरा 90 और तीसरा 80% डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिए। हमने बोला रुक जाओ, 8 दिन का समय दे दो, आपकी कथा सुनते थे और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया और 6 महीने बाद फिर से डॉक्टर का चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया आपके सभी ब्लॉकेज खुल गए हैं और आपके हार्ट ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पूरी दुनिया में आप जितने भी शिवलिंग देखेंगे वो सीधे ही दिखाई देंगे, पर जो डोलेश्वर महादेव है, डोलेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग आप देखेंगे तो वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दधीबल भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे, निरंतर पूजन करते थे और एक समय उन्होंने अपने हाथ का टेका शिवलिंग पर दे दिया था, जिससे वो शिवलिंग टेढ़ा हो गया था और महादेव ने आकर उन्हें दर्शन प्रदान किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव हो कि आप हर तरह से हार गए हो, दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके घर के नजदीक में जो शिव मंदिर हो, शिवलिंग हो, जहाँ पर आप रहते हो, जो कॉलोनी सोसाइटी या गांव में रहते हो, वहाँ के शिवालय में जाकर बैठ जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर देना है, क्योंकि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की भक्ति करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर की पूजन करने वाला अपने दुख को स्वयं समाप्त करने की क्षमता रखता है, उसे किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। जब आपका कोई कार्य पूर्ण ना हो, आपकी मनोकामना पूरी ना हो, तो यह समझ लेना महादेव भी देख रहे हैं आपको भक्ति का बल कितना है, कितना विश्वास है आपका भोलेनाथ में, कितने दृढ़ी हैं आप अपने कर्मों में, क्योंकि थोड़ी देर ही सही पर भोलेनाथ आपको आपकी इच्छा के अनुसार प्रदान जरूर करते हैं, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। प्रियंका दुबे जी बिहार से पत्र लेकर आईं। मेरी माँ पिछले 2.5 वर्ष से पेट की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, वो कैंसर जैसी बीमारी से परेशान थी, बहुत पैसा लगा लिया, कई वर्षों तक डॉक्टर से इलाज करवाते रहे पर कुछ असर नहीं हुआ और अंततः
डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उन्हें ऑक्सीजन लग गया और डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांस तक इन्हें ऑक्सीजन लगेगा और यह इनके अंतिम क्षण ही चल रहे हैं। गुरुजी आप कहते हो कि कथा पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है उसकी मनोकामना बाबा जरूर पूरी करते हैं। हमने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनना उससे कथा पंडाल की मिट्टी को रज को मस्तक पे लगा देते और मनोकामना की थी कि माँ ठीक हो जाए तो अगली कथा भी पंडाल में बैठकर सुनेंगे और बाबा की कृपा से माँ की तबीयत ठीक होने लगी है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। सुनीता यादव जी हरियाणा से पत्र लेकर आई। 72 वर्ष की महिला का लीवर किडनी गुर्दा सब कार्य करना बंद कर दिया था और डायलिसिस चल रहा था, पर बाबा से प्रार्थना की कि इनका डायलिसिस बंद हो जाए। अगली कथा जहां पर भी होगी वहां पर कथा पंडाल में जाकर हम कथा सुनेंगे और इसके साथ हमने शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र का भी आचमन करना शुरू किया और बाबा की कृपा से उनकी तबीयत अब ठीक हो चुकी है, इसलिए नेपाल की इस धरा में आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पूनम सिंह बिहार से पत्र लेकर आई। मेरा पूरा परिवार आपकी कथा सुनता है। मेरे पति की जान और मेरे बेटे की जान भोलेनाथ ने ही बचाई है। 12th class में मेरा बेटा पढ़ता है। लीवर डैमेज हुआ और डॉक्टर ने इलाज शुरू किया पर कुछ असर नहीं हुआ और लीवर के कारण वो एग्जाम दे पाना मुश्किल था, पर मैंने शिव पर भरोसा करके एग्जाम देने को कहा। साथ ही एक लोटा जल चढ़ाकर और बेलपत्र का आचमन करते हुए पेपर देने को कहा, पर इतनी बीमारी में बच्चा कैसे पास हो पाता। तो मैंने बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाने को कहा, अपनी कामना की और नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण किया और बेटे ने ऐसा ही किया और बेटा पास भी हो गया है। उसका लीवर भी काम करने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोगों की आदत होती है वो पर्स में शुगर की, थायराइड की, बीपी की दवाई लेकर चलते हैं। तो श्री महाप्राण की कथा कहती है जब भी आप घर से बाहर निकलो, सुबह निकलो तो माता पिता के चरण स्पर्श करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, दुआ प्राप्त करते हुए निकलो, क्योंकि जिसके साथ गुरु या माता पिता की दुआ होती है उसे पर्स में दवा लेकर चलने की भी जरूरत नहीं होती। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 19 मई को ज्येष्ठ माह की अमावस्या तो है, साथ में वट सावित्री व्रत का भी योग बन रहा है और स्थिति में आप कर्जा मुक्ति का विशेष उपाय कर सकते हैं जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है। उपाय को करने के लिए आपको एक लौंग की आवश्यकता होगी। लौंग आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, उसका पूरा फूल जो है वो बना हुआ हो, इस प्रकार की आपको एक लौंग लेना है। साथ ही एक लोटा जल लेना है। एक लोटे जल के अंदर वो लौंग को आपको डाल लेना है। वट के पेड़ के नीचे सुबह के समय आपको जाना है और जो एक कलर जल आपने लिया है जिसमें आपने एक लौंग डाली है वो जल आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बड़ के पेड़ के नीचे चढ़ा देना है। इसके बाद शाम के समय उसी बड़ के पेड़ के नीचे आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। साथ ही एक लौंग का आपको भोग रूप में लगा देना है, वहीं पे चढ़ा देना है। जब भी बड़ के पेड़ के नीचे जाओ तो वटकेश्वर महादेव का स्मरण करो। साथ ही अगर आपका जितना भी कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान जरूर करो। साथ ही अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो लौटा नहीं रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एकांतेश्वर श्री महापुराण में चंदन वाला विशेष उपाय बताया था जो कि सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन किया जाता है। ये एक बिल्कुल नया उपाय है जिसे आपने कभी भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये उपाय अभी कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने छत्तीसगढ़ की भिलाई में एकांतेश्वर श्री महापुराण कथा में बताया था। इस उपाय में आपको शिवलिंग पर 7 जगह चंदन लगाना होता है। पहले आप ये समझ लें कि ये उपाय किन्हें करना है। जिनके घर में कोई अधोगति में फंसा हुआ हो, एक्सीडेंट में जिसकी मृत्यु हो गई हो, गर्भाशय में कोई शांत हो गया हो, कोई जीना चाहता हो पर बीमारी से उसकी मौत हो गई हो, जिसकी असमय मृत्यु हो गई हो और आपको घर में सकारात्मकता नहीं देखने को मिलती, घर में नेगेटिविटी का अनुभव होता है, तो आप ये उपाय महीने में सिर्फ एक बार अमावस्या के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है कि 7 स्थान शिवलिंग पर ऐसे हैं जहां पर चंदन लगा देने से शिव पितृलोक में पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक में निवास प्रदान कर देते हैं। अब वो 7 जगह इस प्रकार हैं और इस क्रम में ही आपको पीले चंदन की बिंदी लगाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर लगाना है, फिर दूसरी बिंदी आपको गणेश भगवान के स्थान पर लगाना है। जलाधारी में जो राइट हैंड साइड में गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको दूसरी बिंदी लगाना है। तीसरी बिंदी आपको जलाधारी में जो लेफ्ट साइड कार्तिकेय भगवान का स्थान है वहां पर आपको लगा देना है। इसके बाद चौथी बिंदी आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर लगाना है।
पांचवी बिंदी आपको ऊपर जलाधारी में लगाना है, छठवीं बिंदी आपको माता पार्वती के हस्त कमल में लगाना है। इसके बाद जो सातवीं बिंदी है नंदी भगवान के मस्तक के ऊपर जो दो सींग है वहां पर आपको लगा देना है। अमावस्या के दिन आपको ये उपाय करना है, रोज करने की जरूरत नहीं है। महीने में सिर्फ एक बार अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको पूरा फल प्राप्त होता है। ये विशेष उपाय आप 19 मई की ज्येष्ठ माह की अमावस्या में कर सकते हैं। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।